भाई नवंबर के साथ ही भारत का सबसे बड़ा फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और इसी बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड अभी पीक पर है। तो आप अगर भारत का सबसे टॉप सेलिंग और सबसे ज्यादा ट्रस्टेड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो पर हैं। अक्टूबर 2023 में कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचकर टॉप पर रही है, किस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है, ऑफिशियल सेल्स फिगर को एनालाइज करके सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आपका फेवरेट स्कूटर किस पोजीशन पर आता है। 10th पोजीशन पर है ओकाया ईवी। लास्ट मंथ सितंबर में ये 8th पोजीशन पर रहे, लेकिन इस बार दो पोजीशन पीछे आए हैं। इस बार अक्टूबर में 853 यूनिट्स इनकी सेल हुई है, जबकि लास्ट मंथ में 885 यूनिट्स इनकी बिकी थी, जो अक्टूबर से ज्यादा थी। तो 3% का डेक्लाइन इनकी सेल्स में इस बार देखने को मिला है। 9th पोजीशन पर है इलेक्ट्रिक सीवी, जो इस लिस्ट में पहली बार आई है क्योंकि इस महीने में अच्छी सेल्स इन्होंने की है। 1036 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन्होंने बेचे हैं, वहीं अगर इनके पिछले महीने की सेल्स देखी जाए तो 735 यूनिट्स इनकी बिकी थी। इस बार 40% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी सेल्स में हुई है, तो बहुत दिनों बाद कोई नई कंपनी ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। 8th पोजीशन पर है भाई बिगोज ऑटो, जो लास्ट मंथ में 7th पोजीशन पर बने हुए थे। इस मंथ अक्टूबर में 11,047 यूनिट्स इन्होंने बेची है, जबकि लास्ट मंथ सितंबर में 934 यूनिट्स ही इनकी बिकी थी। तो इस बार 22% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कंपनी ने की है, लेकिन फिर भी ये 8th पोजीशन नीचे आए हैं क्योंकि इस बार बाकी कंपनीज ने इनसे बहुत अच्छी सेल्स की है। 7th पोजीशन पर है ओकिनावा ऑटोटेक, जिनकी कम सेल्स इस महीने में हुई है। लास्ट मंथ में 6th पोजीशन पर ये थे, लेकिन इस बार 14,030 स्कूटर्स इन्होंने सेल किए हैं, जो लास्ट मंथ से कम है क्योंकि लास्ट मंथ सितंबर में 17,089 यूनिट्स स्कूटर्स इन्होंने बेचे थे। ओकिनावा को इस बार 20% का डिक्लाइन अपने सेल्स में देखने को मिला है। 6th पोजीशन पर आई है भाई हीरो मोटो कॉर्प की विदा कंपनी, जिसने मार्केट में आते ही इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी और अब धीरे धीरे ये टॉप पोजीशन की तरफ बढ़ रही है। इस बार अक्टूबर 2023 में 1889 इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा ने सेल किए हैं और एक नई कंपनी के लिए अचीव करना इजी नहीं है, लेकिन इनका अच्छे प्रोडक्ट विदा V1 प्रो के कारण ये पॉसिबल हो पाया है। विदा ने सितंबर मंथ में सिर्फ 532 यूनिट्स बेची थी, लेकिन अक्टूबर में 255% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ करके इन्होंने 6th पोजीशन एक्वायर की है। 5th पोजीशन पर है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक, जो पिछले महीने की तरह इस बार भी सेम पोजीशन पर बने हुए हैं, लेकिन इस बार सेल इन्होंने पिछले महीने से ज्यादा की है। अक्टूबर मंथ में 4050 यूनिट्स एम्पियर ने बेची हुई, बात करें सितंबर मंथ की तो 3605 यूनिट्स इनकी सेल हुई थी, यानी इस बार 12% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ एम्पियर की सेल्स में हुई है। 4th पोजीशन पर है भाई सबकी फेवरेट एथर एनर्जी, जो लास्ट मंथ में 3rd पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार ये 1 पोजीशन नीचे आई है। अब सेल्स तो एथर ने बढ़िया की है, लेकिन फिर भी किसी और कंपनी ने इसका तीसरा स्थान छीन लिया है। इस बार एथर ने 8,113 यूनिट सेल की है, जबकि सितंबर मंथ में 7,109 यूनिट सेल हुई थी, तो इस बार एथर ने 13% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ अक्टूबर मंथ में की है। 3rd पोजीशन पर है बजाज चेतक, जो भाई एथर की 3rd पोजीशन छीनकर आगे आए हैं। अक्टूबर 2023 में बजाज चेतक ने 8,519 यूनिट्स स्कूटर्स बेचे हैं, जबकि सितंबर मंथ में 7,045 यूनिट्स की सेल हुई थी। तो भाई सीधा सीधा 20% की शानदार मंथ ऑन मंथ ग्रोथ बजाज ने की है और ये कंपनी के लिए सेकंड बेस्ट मंथ एवर साबित हुआ है। 2nd पोजीशन पर है टीवीएस आईक्यूब, जो पिछले कई महीनों से 2nd पोजीशन पर बनी हुई है और लास्ट 2 महीनों में तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ सेल्स टीवीएस ने की है। अक्टूबर 2023 में टीवीएस ने 15,729 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे हैं और लास्ट मंथ सितंबर में 15,512 यूनिट्स इनकी सेल हुई थी। अब इस बार कुछ ज्यादा खास सेल्स तो कंपनी ने नहीं की है, लेकिन सेल्स में गिरावट भी नहीं आई है। 1st पोजीशन पर है भाई वही एक कंपनी जो पूरे साल इसी पोजीशन पर रही है, ओला इलेक्ट्रिक। अभी तक इनकी सेल्स को कोई दूसरी कंपनी टक्कर नहीं दे पाई है। ओला इलेक्ट्रिक ने इस बार 22,565 यूनिट्स बेची है, जबकि लास्ट मंथ सितंबर में 18,635 यूनिट्स इनकी बिकी थी। तो इस बार 20% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इनकी सेल्स में हुई है और अभी भी मार्केट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचकर ओला ही टॉप पर है। तो ये थी बेस्ट सेलिंग 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, जिसमें विदा और इलेक्ट्रिक सीवी ने इस बार एंट्री ली है और कब तक ये टिक पाएगी नेक्स्ट मंथ में पता चल जाएगा। तो आप भी इनमें से किसी भी एक कंपनी का स्कूटर ले सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ये मार्केट की टॉप मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं। बस जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और उन दोस्तों तक पहुंचाना जो नया स्कूटर लेना चाहते हैं। ऐसी ही हेल्पफुल ईवी लिस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।